डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3.10 को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। टू थ्रो अ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई दफ़ा पेपर का हिस्सा बन चुका है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितना 30 डिग्री, और रेंज दी हुई है हमें, दिस इज़ रेंज आर, और हमसे इनिशियल स्पीड जिसको हम वी आई कहते हैं वो पूछी हुई है। नीचे भी मैंने ये तीनों चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेंज का फार्मूला होता है, जो द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, चूँकि ये भी प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, इज़ गिवन बाय रेंज का जो फार्मूला होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा ओवर जी। इस फार्मूले के साथ रेंज को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब इसमें से हमें वी आई स्क्वेयर को अलग करना है, तो वी आई स्क्वेयर को इधर छोड़ देते हैं, जी उधर चला जाएगा, आर के साथ मिल जाएगा, तो बन जाएगा आर जी, और साइन टू थीटा चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा साइन टू थीटा। अच्छा, अब चूंकि थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री, तो जो टू थीटा होगा वो डबल हो जाएगा, यानी टू मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री, दैट विल बिकम 60 डिग्री। इसका मतलब है टू थीटा की जगह हम डायरेक्ट 60 डिग्री रख सकते हैं, और साइन 60 डिग्री पे 0.866 होता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत है। रेंज उसने खुद ही दे दी थी हमें 40 मीटर, और जी की वैल्यू का हमें पता है 9.8 ओवर साइन, अब टू थीटा क्या बन जाएगा 60 डिग्री, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि टू थीटा की जगह हम 60 डिग्री रखेंगे। अच्छा, और 40 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या बनता है। 40 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, द आंसर इज 392। ऊपर आ गया हमारे पास 392, और साइन 60 डिग्री पे 0.866 होता है, और जब 392 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.866 से, तो आंसर आएगा 452 पॉइंट्स में है 65। अब चूंकि वी आई के ऊपर स्क्वेयर है, लिहाजा ये बन जाएगा इसकी इसकी जो यूनिट है उसके ऊपर भी स्क्वेयर आएगा, मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। अब इसका हम स्क्वेयर रूट लेंगे, दोनों तरफ का जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे, इस तरफ का भी इस तरफ का भी, तो लें जी वी आई स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 452.65 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। द आंसर विल बी वी आई इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, इट बिकम्स 21.27 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर। Stay blessed. Goodbye. Allah Hafiz.